चीन की जमीन की भूख पूरी दुनिया जानती है और चीन अपनी इस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। दुनिया के एक दर्जन से ज्यादा देशों के साथ चीन का जमीन का विवाद चला रहा है। यही नहीं, वो जमीन के साथ साथ समंदर में भी अपना दावा ठोकने से पीछे नहीं रहता है। दक्षिण चीन सागर का विवाद भी चीन की विस्तारवादी नीति का ही नतीजा है। लेकिन अब चीन का जो सच सामने आया है वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि चीन एक ऐसे देश की जमीन पर कब्जा जमा रहा है जिससे वो पिछले कुछ साल से दोस्ती का पाठ पढ़ा रहा है। ये देश है नेपाल। चीन ने नेपाल की करीब 150 हेक्टेयर जमीन पर ना सिर्फ कब्जा जमा लिया है बल्कि वहां निर्माण भी शुरू कर दिया है। भारत से डरे चीन ने पड़ोसी देशों को बनाया हथियार। दोस्ती के बहाने चीन ने हड़पी नेपाल की जमीन। नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ शी की साजिश। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी विस्तारवाद वाली नीति को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत को घेरने के लिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिशों में जोर शोर से जुट गया है। चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने के लिए पड़ोसी देश बेहद अहम होंगे। लिहाजा शी जिनपिंग ने उन देशों की जमीन पर निगाहें गड़ा दी है जो कर्ज के धागे से बनाए उसके जाल में आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है नेपाल का, जहां की केपी शर्मा ओली सरकार चीन के शिकंजे में फंस गई है। चीन ने तरक्की का सब्ज बाग दिखाकर नेपाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब शी जिनपिंग धीरे धीरे नेपाल की जमीन पर काबिज होने की कवायद कर रहे हैं। चीन ने नेपाल से दोस्ती का नाटक किया और उसका भरोसा जीतने के बाद उसने अपनी विस्तारवादी नीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। भारत पर एक रणनीतिक दबाव बनाने के लिए चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने दावा किया है कि चीन ने रणनीतिक तौर पर अहम नेपाल की बहुत बड़ी जमीन पर लाल झंडा फहरा दिया है। अंग्रेजी अखबार की माने तो चीन ने धोखे से नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के नेताओं से बातचीत के बाद ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने इस बात का खुलासा किया है कि नेपाल के उत्तरी पश्चिमी जिले उमला में चीन की सेना ने लीमी घाटी और हिल्सा को पार किया। उमला में चीन की सेना ने पत्थर के बने पिलर को उखाड़ कर फेंक दिया और यहां काबिज हो गई। चीन की सेना अब इस इलाके में अपना सैन्य ठिकाना बना रही है। ये दो तस्वीरें नेपाल में चीन के बढ़ते दखल और उसके विस्तारवाद की बानगी। पहली तस्वीर में आपको खाली जमीन दिखाई दे रही होगी, जबकि दूसरी तस्वीर में इमारतें बनी हुई नजर आ रही। दावा यह किया जा रहा है कि ये इमारतें चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बनाई। नेपाल के उमला जिले के लीमी घाटी और हिल्सा में ये इमारतें बनाई गई जिन्हें चीन का नया सैन्य ठिकाना बताया जा रहा है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर नेपाल के हुमला में जिस 150 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने अपना सैन्य अड्डा तैयार किया है वो भारत के लिहाज से खतरे की घंटी क्यों है। तो आपको बता दें कि हुमला से भारत के उत्तराखंड की दूरी बहुत कम है। जी, नेपाल के हुमला से उत्तराखंड के धारचूला की दूरी 138 किलोमीटर, हुमला से मुनस्यारी की दूरी 165 किलोमीटर, जबकि हुमला से पिथौरागढ़ की दूरी 175 किलोमीटर। मतलब ये
कि अगर हुमला में चीन ने सैन्य अड्डा बना लिया तो उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो जाएगी। चीन यहां से भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकेगा, वो नेपाल से लगती भारत की सीमा तक आसानी से पहुंच सकेगा। यही नहीं, युद्ध की स्थिति में वो भारत पर हमले के लिए इस जगह का इस्तेमाल भी कर सकता है। चीन पर शक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उसने गलवान में हुई झड़प के बाद ही नेपाल के हुमला में जमीन पर कब्जा किया है। लिहाजा विदेश मंत्रालय नेपाल में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी पर बारीक नजर बनाए हुए है। वही है जो हिटलर के सपने थे। हिटलर भी तो यूरोप में और पूरे एशिया में और जापान से मिलके और इटली से मिलके पूरे एशिया, अफ्रीका और हर जगह कब्जा करने के चक्कर में था, तो वही सपने उनके भी हैं और उन्होंने भी अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बना लिया है, तो उस चक्कर में ये काम चल रहा है। नेपाल में चीन की बढ़ती दिलचस्पी, केपी शर्मा ओली सरकार से शी जिनपिंग की बढ़ती नजदीकियां, ये सब कुछ इस बात की तस्दीक करती हैं कि चीन नेपाल के जरिए भारत पर निशाना लगाना चाहता है। वो नेपाल की जमीन का रणनीतिक इस्तेमाल कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है और चीन अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश आज से नहीं बल्कि बरसों से कर रहा है। चीन के सैनिकों ने सबसे पहले नेपाल की जमीन पर साल 2009 में कब्जा करना शुरू किया था। तब वहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पशुओं के लिए एक हॉस्पिटल बनाने का दावा किया था। यही नहीं, 2009 में चीन ने लीनी घाटी में 30 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि चीन की सेना ने हुमला में भी 70 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। वो दिन था और आज का दिन, चीन धीरे धीरे भारत के पड़ोसी देश नेपाल की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड के बहाने नेपाल में लाल झंडा फहराते चले जा रहे हैं। नेपाल के नेताओं का दावा है कि केपी शर्मा ओली सरकार को चीन के इस अवैध कब्जे की पूरी जानकारी है, लेकिन वो जानबूझकर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वो जाने अनजाने शी जिनपिंग के हाथ मजबूत कर रहे हैं और चीन के विस्तारवाद को मौन सहमति दे रहे हैं। I want to point out that the report is a completely unfounded rumor. शी जिनपिंग एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने और भारत की चुनौती से पार पाने के लिए नेपाल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ हुमला ही नहीं बल्कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गोरखा जिले में भी बॉर्डर के पास मौजूद पिलर को नेपाल के इलाके में और ज्यादा पीछे खिसका दिया है। इसी तरह से नेपाल के रसुआ, सिंधुपाल चौक और संकुआ सभा जिलों में भी चीन की सेना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है। इस खेल को अंजाम देने से पहले चीन के इंजीनियरों ने तिब्बत में नदियों की धारा को बदल दिया, जो नेपाल और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी। हालांकि चीन अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हुमला में जमीन हड़पने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लगभग सारा विश्व चीन किस तरीके से दूसरे देशों की जमीन हथियाता है के बारे में जान चुका है। विशेषज्ञ इसे सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स कहते हैं, धीरे धीरे जमीन को हथियाना। नेपाल के 7 सीमावर्ती जिलों में नेपाली जमीन को अनाधिकृत रूप से हड़पा हुआ है। चीन पहले दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर वहां की राजनीति में दखल देता है, फिर व्यापार के जरिए उन देशों में घुसपैठ करता है। इसके बाद वहां निर्माण का काम शुरू करता है, पैसों का लालच देकर वहां की अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में ले लेता है और फिर उन देशों की जमीन पर कब्जा करना शुरू करता है। सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि ऐसे कई देश हैं जहां चीन ने इसी नीति के जरिए अपनी जमीन की भूख मिटाई, फिर चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान या फिर अफ्रीकी देश। विवाद को जन्म देना, देश को प्रेशराइज करना,
और उसके बाद बिना बताए बिना सहमति के बॉर्डर लाइन को अल्टर करना। इन सातों जिलों में चीन ने अपने मन से नेपाली अधिकारियों की परवाह किए बिना बॉर्डर आउटपोस्ट उखाड़ दिए हैं। जाहिर है विस्तारवाद और उपनिवेशवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बना चुका चीन पड़ोसी देशों पर पूरी तरह काबिज होना चाहता है। वो पड़ोसी देशों के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल से भारत अच्छी तरह वाकिफ है और पीएम मोदी शी जिनपिंग को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारत के साथ एलएसी पर विवाद करके चीन पूरी तरह फंस गया। सीमा पर तो भारतीय जवानों ने ही चीन को सबक सिखा दिया, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने कूटनीति के दम पर चीन को अलग थलग कर दिया और अब इस कूटनीति के हथियार से चीन पर ऐसा वार हुआ कि वो बौखला उठा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर चीन पर लगाम लगाने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इस चक्रव्यूह से चीन बुरी तरह से भड़क उठा है, लेकिन चीन की परवाह ना करते हुए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। बंगाल की खाड़ी में शुरू हुए इस युद्धाभ्यास से बीजिंग बेचैन हो उठा है। चीन को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार। समंदर में चीन की साजिशों पर क्वाड करेगा प्रहार। अब की बार चीन पर चार देशों का सबसे बड़ा वार। नंबर चार से फिलहाल शी जिनपिंग पनाह मांग रहे हैं। नंबर चार से शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए क्योंकि यही नंबर शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाएगा। यही नंबर चीन के विस्तारवाद पर नकेल कसेगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उन देशों की ताकत का सबूत है जो एक साथ मिलकर चीन को रोकने के मिशन में जुट गए हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये वो चार देश हैं जो चीन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी कर चुके हैं। इन्हीं चार देशों ने समंदर में एक ऐसा युद्धाभ्यास शुरू किया है जिससे बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की सांसें फूलने लगी हैं। दरअसल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर बंगाल की खाड़ी में मलाबार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये पहली बार है जब क्वाड देशों के युद्धपोत 24वें मलाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास का हिस्सा हो रहे हैं। जानकारों की माने तो समंदर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन की दखलंदाजी को रोकने के लिए चारों देशों की नौसेनाएं अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। भारतीय नौसेना ने दुनिया के तीन बड़े देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मंगलवार को मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। तो आपको बता दें कि मालाबार युद्धाभ्यास इस साल दो चरणों में हो रहा है, जिसका पहला चरण विशाखापट्टनम के नजदीक बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है, जो 6 नवम्बर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। मालाबार युद्धाभ्यास के पहले चरण में पनडुब्बी रोधी युद्ध और दूसरे युद्धाभ्यास जारी हैं, जबकि दूसरे चरण के तहत 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में क्वाड का युद्धाभ्यास होगा। इस चरण में अमेरिका परमाणु शक्ति संपन्न विमान वाहक युद्धपोत की
तैनाती करेगा। वहीं भारत भी MiG-29 युद्धक विमानों से लैस INS विक्रमादित्य अरब सागर में तैनात करेगा। समझौता हुआ है, समझदारी डेवलप की गई है, उसका मलावार एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, तो इस हिंद महासागर और इंडो चाइना और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो चीन के सपने हैं उन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश है, और इससे चीन में दहशत बनेगी। चीन के समझ में आएगा कि आपको खुली हरी झंडी नहीं है। 13 साल पहले चीन ने युद्ध पोतों और तकनीक के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया था, लेकिन इसके बाद उसने ताकत के नशे में दूसरे देशों को धमकाना शुरू कर दिया। नीले पानी में लाल झंडा फहराने की कोशिश करने लगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर के इलाकों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लिहाजा चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए क्वाड ने मोर्चा संभाला है। पहली बार भारत, अमेरिका और जापान के साथ समंदर में ऑस्ट्रेलिया भी चीन को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। यही नहीं, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश भी बहुत जल्द क्वाड का दामन थाम सकते हैं, लिहाजा बीजिंग में हड़कंप मच गया है। शी जिनपिंग की सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी डर गई है। डरा चीन अब शांति की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मालाबार युद्धाभ्यास पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि चारों देशों का सैन्य अभ्यास क्षेत्र में शांति और स्थिरता पैदा करने वाला होगा, न कि किसी के विरोध में। वैसे भारत ने 2016 से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए थे, जिनसे हिंद महासागर में तीनों देशों के युद्धपोतों की तैनाती सुनिश्चित होती है। लेकिन अब चारों देशों का एक साथ सैन्य अभ्यास करना चीन को अखर रहा है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि समुद्र में उसकी साजिशों पर ये देश पानी फेर सकते हैं। नौसेना अभ्यास से चीन की चिंताएं वाजिब हैं। चीन अमेरिका को, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को जितना साउथ चाइना सी और भारतीय महासागर से दूर रखने की कोशिश करता है, उतना ही वो नजदीक आते जा रहे हैं। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद की वजह से पिछले 6 महीनों से भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है, जबकि क्वाड के बाकी 3 सदस्य देशों का भी पिछले कुछ महीनों से अलग अलग मुद्दों पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सैन्य दबदबा दुनिया के सभी शक्तिशाली देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, लिहाजा भारत और अमेरिका क्वाड को इस इलाके में मजबूत करने के पक्ष में हैं, ताकि चीन को रोका जा सके। मलाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 1992 में भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच हुए हिंद महासागर में साझा अभ्यास से शुरू हुआ। साल 2015 में जापान इसका हिस्सा बना और पिछले ही महीने भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शिरकत करेगा। ऐसे में चीन की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये चारों ही देश चीन की दादागिरी की मुखालफत करते आए हैं। चीन कभी दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाता है, कभी इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को परेशान करता है, तो कभी ताइवान को धमकाने की कोशिश करता है। चीन ताकत के दम पर कमजोर देशों पर काबिज होना चाहता है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका ने क्वाड बनाया है, जो चीन की मनमानियों पर ब्रेक लगाने का काम करेगा। क्वाड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को ध्वस्त करने का काम करेगा। ब्रेक देने के लिए अगर ये चार मजबूत देश, जापान फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ जो समझौता है, क्वाड जिसको चार देशों का समझौता कहा जाता है, वो चीन के मंसूबों को लगाम देने में काफ़ी सक्षम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि मालाबार युद्धाभ्यास का मकसद चीन के खिलाफ गठजोड़ बनाना है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर भी निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ अमेरिका से मदद लेना चाहता है, लेकिन इस तरह के गठजोड़ से भारत शतरंज के मोहरे बनकर रह जाएगा। मतलब ये कि मालाबार युद्धाभ्यास से चीन की झुंझलाहट बढ़ गई है। उसे इस बात का एहसास हो चला है कि चार देशों का ये गठजोड़ और समंदर में इनकी नौसेनाओं का युद्धाभ्यास
बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है।